हेलो जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज मैं आपको दिखाऊंगा एक ऐसी जगह जो आप देखते रोज होंगे लेकिन आपको उनके काम का नहीं पता। मैं बात कर रहा हूँ डॉल्फिन पुलिस हेडक्वार्टर की। तो सबसे पहले यार, जिन जिन ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले मियां व्यास चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में घंटे का निशान भी दबा दो। तो चलो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। Two hours later. Finally, मैं डॉल्फिन हेडक्वार्टर में आ गया हूँ। अब मुझे ज्वाइन किया है मेरे दो दोस्तों ने, वो हैं एक आमिर भाई और एक हैं इब्रार भाई। आए, मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। ये आमिर भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, अलहमदुलिल्लाह। और इब्रार भाई, कैसे हैं आप? अच्छा भाई, आज हमने लोगों को बताना है कि डॉल्फिन पुलिस कैसे काम करती है, तो आप उसके लिए रेडी हैं? जी जी, आ जाएं फिर चलते हैं। ये भाई कौन खड़े हैं? ये वाले ड्यूटी के लिए रेडी हैं, ये जाने के लिए। अच्छा अजीम भाई, ये कितने सीसी बाइक है? ये वाली 500 सीसी बाइक है। अच्छा, तो ये बाइक का फीचर क्या है? इसका एडवांटेज ये है कि जब हम किसी को चेज करते हैं ना, ये बहुत मदद देती है हमें। ये कितनी स्पीड तक चली जाती है? ये बाइक तकरीबन 200 स्पीड तक चली जाती है। अच्छा सलमान भाई, मुझे आप बताएं यार, ये अपना क्या काम क्या करते हैं आप भाई फील्ड में? फील्ड में स्नैप चेकिंग वगैरह, आईडी कार्ड वगैरह, एफआईआर वगैरह, जिन पे हमारे पास ऐप होती है उसको पता लग जाता है कि जुर्म में इस पे एफआईआर है, थाने लेके जाना। जो बेसिक काम है वो फर्स्ट रिस्पॉन्ड करना है किसी 15 की कॉल पे। कोई भी 15 की कॉल होती है वो आपके पास आती है, सबसे पहले हम रिस्पॉन्ड करते हैं। इसके अलावा हम कम्युनिटी पुलिसिंग करते हैं, ठीक है, लोगों की मदद करना। ठीक है, इसमें हम किसी के साथ कोई अगर गाड़ी खराब हो गई है उसकी गाड़ी को धक्का लगा के। अमर भाई, ये ऐसा करते भी हैं? नहीं जी जी, बिल्कुल करते हैं। आप कभी चेक कीजिएगा, आपकी कभी गाड़ी खराब हो तो आप 15 पे कॉल करें। डॉल्फिन वाले गुजरे हो तो इंशाल्लाह आपकी हेल्प करके जाएंगे, वैसे नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, पेट्रोल भी ला के देते हैं? मैं अपने पैसों से? नहीं नहीं, पैसे लेके जाते हैं। अच्छा बात नहीं है। फर्ज करें मेरी गाड़ी खराब होगी और मेरे पास फ्यूल के पैसे नहीं, तो फिर इसके लिए फिर क्या करेंगे आप अजीम भाई? मुझे इसके लिए यही है, फिर हम अपने से आपको दे देंगे, बाद में पैसे भी लेंगे। नहीं, पैसे नहीं लेंगे आपसे, लेकिन देंगे 1 लीटर ही। अच्छा, आप अभी ड्यूटी के लिए रेडी हुए हैं? आप ड्यूटी जाने के लिए रेडी? चले ठीक है भाई, आप जाएं। चले फिर अमर भाई, हम आगे चलते हैं। ये जो बाइकें हैं अभी फिर खड़ी हैं, ये किस मकसद के लिए खड़ी हैं ये बताएंगे जरा? ये अभी फ्रेश रेडी करोगी है, बाइक सारी फ्रेश लगी है, बड़ा काम के हॉर्न, इनके इंजन, इनके हेड, सारी मेंटेनेंस अभी हुई है, फ्रेश सारी ऑफ होगी अपन को सब। ये न्यू नहीं है लेकिन ये रेडी हुई है। ये हमारे जो है एसपी साहब, इनकी मेहनत की काविशों की वजह से ये सब कुछ हुआ। सारी बाइकें आप देखते हैं, ये सारे इनकी मगराज हेडलाइट सब चीजें नई हुई है, इंजन का बड़ा काम हुआ है, टायर इनकी हर चीज बिल्कुल उन्होंने नई डाली। ऑन रोड होने के लिए रेडी? ऑन रोड के लिए रेडी है बिल्कुल। अच्छा भाई, आप हमें बताएंगे कि आप क्या काम कर रहे हैं? मेरा काम ये है कि कोई भी हीनियस कॉल जो होती है रॉबरी स्नैचिंग की, हम उस कॉलर को रब्ता करते हैं, क्रिमिनल्स का हुलिया वगैरह लेते हैं, क्रिमिनल का हुलिया जो है वो अनाउंस करते हैं, टीमों से बकायदा चेकिंग करवाते हैं उस हुलिया के मुताबिक। इस तरह जो है ना, हम अक्सर का क्रिमिनल्स राउंड अप कर लेते हैं। मैक्सिमम कितना टाइम होता है कि 15 की कॉल करता है? मैक्सिमम कितना टाइम होता है वो टीम कितने मिनट में रिस्पॉन्स कर लेती है जिसको जरूरत होती है? मैक्सिमम रिस्पॉन्स टाइम हमारा जा रहा है वो 4 से 5 मिनट जा रहा है। 5 मिनट तक टीम उसके पास, कॉलर के पास पहुंच जाती है। और इसके अलावा क्या काम है आपका? इसके अलावा ये जो हमारा सेल है इस पे हम टीमों को मॉनिटरिंग करते हैं, हमारे पास लाइव लोकेशन सारी होती है टीम्स की, स्मार्ट पॉलिसिंग ऐप है, पूरे लाहौर का मैप है जिसमें ये हमारी डॉल्फिन और ये हमारी पीआरयू की टीम, हमें पता चल जाता है किस एरिया में कौन सी टीम जो है वो पेट्रोलिंग कर रही है, कौन सी मौजूद है, जिस एरिया की 15 की कॉल होती है उसी टाइम जो है उस टीम को अलर्ट करते हैं, उस टीम को मूव करते हैं कि जिस जगह पे कॉलर खड़ा है उससे रब्ता करें। मजा आया।
आपको हॉस्टल के इंचार्ज आप सब से मिलवाते हैं, वो आपको अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप ठीक हैं? सर अभी मैंने देखा है हॉस्टल पुलिस कैसे काम कर रही है, माशाल्लाह वन फाइव की कॉल वगैरह पे कैसे रिस्पॉन्स हो रहा है, बेसिकली इस ऑप्स रूम है इसका मकसद क्या है आप मुझे बताएं? मकसद जो हमारा ऑप्स रूम का है कि हम अपनी टीमों की जो 15 कॉल जो आती है उनको फौरी रिस्पॉन्ड कराते और उसकी सर्विलेंस भी करते हैं, यानी कि जो सराउंडिंग एरिया में टीम है उनको भी एक्टिव करते हैं और इसके अलावा मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मोस्टर पेट्रोलिंग जो है उसकी वजह से हमारा जो क्राइम डिक्रीज हुआ है। चले सर बहुत शुक्रिया आपका, आपसे मिलकर अच्छा लगा। चले आए मैं आपको अपना जिम विजिट करवाता हूँ, हमारा डॉल्फिन का जिम बने हुए हैं, एक यहाँ पे है जिम हमारा, ये हमारा जिम है, देख सकते हैं अभी भी हमारे जवान यहाँ पे जिम में मशहूर है। जिनका थोड़ा सा वेट गेन हो जाता है उसको फिट रखने के लिए करते हैं ये जो जिम है, ये डॉल्फिन पुलिस के जवानों के लिए है। जी डॉल्फिन पुलिस के जवान। अब हम आपको दिखाते हैं डॉल्फिन पुलिस हेडक्वार्टर में जो फिजियोथेरेपी सेंटर है, हम आपको मिलवाते हैं डॉक्टर से। अस्सलाम वालेकुम। फिजियोथेरेपी सेंटर है इधर, क्या फायदा क्या मकसद है? डॉल्फिन की जो पैसी है जिसमें रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, इसके अलावा डॉल्फिन की जो बाइक है उस 5 घंटे पेट्रोलिंग करते हुए लड़कों को अक्सर कमर दर्द गर्दन के दर्द के मसाइल निकलते हैं, बुलेट इंजरी के काफी पेशेंट्स आते हैं मेरे पास, पैरालिसिस के पेशेंट्स मैं ट्रीट कर रहा हूँ यहाँ पे, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से उनको डिफॉर्मिटीज आई हैं उनको मैं ट्रीट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है। मेरे भी ये बैक में थोड़ी सी पेन है तो इसका भी हल है। झूठ बोल रहा है। आप इस लेती मैं इसको चेक कर लेता हूँ। चलें। क्या कौन से इशू चल रहा है तो कौन से इशू देखना पड़ेगा ना कौन से इशू चल रहा है फिर उसके बाद आपको ट्रीटमेंट। और सांस ले। जी क्या चल रहा है शमशेर सिंह जी? 3 days later. Finally, मैं घर पहुंच गया। आज मैंने आप सबको दिखाया कि डॉल्फिन पुलिस किस तरह काम करती है और किस तरह 15 की कॉल पे रिस्पांस करती है, और ये बेसिकली फ्रेंडली पुलिस, मुझे तो बहुत अच्छा लगा विजिट करके। तो अगर आपको भी किसी किस्म की हेल्प की जरूरत पड़ती है तो आप भी 15 पे कॉल करें और डॉल्फिन पुलिस को बुला सकते हैं। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है वो डॉल्फिन पुलिस में फिजियोथेरेपी सेंटर था। अगर उनके जवानों का रोड एक्सीडेंट हो जाता है या फ्रैक्चर किसी किस्म का होता है तो वो उनको फैसिलिटेट करते हैं, तो ये बहुत अच्छा एकदम है एसपी डॉल्फिन का, अपने भी सीनियर ऑफिसर हैं कि जो अपने जवानों को उन्होंने फैसिलिटेट किया हुआ है तरह के सेंटर से। अभी हम आराम करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।